महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को छोड़ा है आश्रम में। छोड़ने के बाद में घोड़े पे सवार हुए और भक्त इधर जिस समय महाराज दुष्यंत अपने राज्य के लिए चले जाते हैं, आज शकुंतला को रहते रहते कुछ समय व्यतीत हुआ है। तो आज उसी समय शकुंतला जब रहती रही है कन्वा आश्रम में, तो महाराज को जाते जैसे कुछ समय व्यतीत हुआ और ये रोहन शर्मा की ओर से माता रानी के चरणों में 11 पुत्रों का दान आया है। माता रानी सदैव सुख शांति प्रदान करती रहे, सदैव धर्म की ओर बढ़ाती रहे। जवाब दिया है कि जिस समय शकुंतला को रहते रहते कुछ समय व्यतीत हुआ है, तो इधर बीती गए बातें करते हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में बालक का नामकरण संस्कार कराया गया है, तो महात्माओं ने उसका नाम भरत रखा है। ऐसा ही नहीं, जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर पुत्र है। इधर एक दिन मैया शकुंतला आश्रम में रहती रही, तो आज भरत कुछ बड़ा हुआ है, गोद में उठाया है। तो आज मैया शकुंतला जो का जब मन नहीं लगा आश्रम में, तो भरत को गोद में लेकर के आश्रम के बीच में जाती हैं। जिस तरीके से मैया शकुंतला ने गोद में लिया है और आश्रम के बीच में पहुंची हैं, तो इधर क्या हुआ है कि पुरवाई हवा चल रही है, मंद मंद गति से बारिश हो रही है, मानो इतनी सुंदर सी वर्षा हो रही है। तो आज उसी वर्षा में मैया शकुंतला को याद आ जाती है महाराज की। लेके भरत को गोद नारी छाया में नहीं दिखलाई, आज गोद
दिया